हे गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने अभी बेड वेड ठीक किया है, और बेड वेड ठीक करने के बाद मेरी अभी एक मैंने वीडियो डाली है, सो वीडियो आप लोग देखिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे, बिकॉज आप लोग के डिमांड पे मैंने वो वीडियो बनाया है। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम से आज, और एक साथ से मैं इतना कुछ बोल रही हूँ ना सच में। और अभी रंजना आने वाली है काम करने के लिए, बिकॉज झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा अभी नहीं धुलती है, कपड़ा वो सुबह में धुलती है, बिकॉज सुबह में धूप रहता है, कपड़ा सूख जाता है। बाई चांस ये है कि वो अभी कपड़ा धोती है, नहीं तो सुबह में ही सारे कपड़े धोती है। हे गाइस, तो यहाँ पे रंजना आ चुकी है काम करने के लिए। शाम का समय था, मैं बेड वेड झाड़ चुकी थी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वो झाड़ू लगा लेगी रूम्स किचन में, फिर आंगन में, और उसके बाद वो धोएगी बर्तन। तो मैंने सोचा आज थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो और यहाँ पे आंगन वंगन देख सकते हैं, पूरा साफ़ है, वो झाड़ झूठ पूरा कर चुकी है। इसके बाद हो जाता है शाम, और मैं जला रही हूँ दिया, और बाबू को देख रहे हैं कि बाबू मुझे घंटी दे रहा है कि बजाने के लिए, मैं नहीं बजा रही हूँ, गुस्सा कर रहा है मुझ पर। तो बस यहाँ मैं दिया दिखा लूँगी, दिया खाने के बाद मैं बाहर तुलसी जी के पास दिया दिखाऊंगी, और रूम में दिया दिखा लूंगी। और ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो मैं न्यू चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हो चुका है शाम, और मैं यहाँ दिया दिखा ले रही हूँ पूरे रूम में चारों तरफ। उसके बाद मैं जा चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सस्पेन देख रही थी, मैंने सस्पेन कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उसमें डाला दूध, जितना अकॉर्डिंग मुझे चाय बनाना है। तो बस वहाँ पर चीनी, चाय पत्ती और तेज़पत्ता डाल के, मैं ऑब्वियसली मैं बहुत बार चाय का रेसिपी अपना शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बार मैं मसाला चाय भी बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो मेरा मसाला चाय वाला भी रेसिपी। और यहाँ बाबू के साथ मैं थोड़ी सी कर रही हूँ मस्ती, क्योंकि बाबू नीचे में था और वो बहुत परेशान कर रहा था, उसके लिए मैं दूध रेडी कर रही थी, बिकॉज उसको दूध पीना था, तो मैं उसके दूध रेडी कर रही थी। इधर हम लोग अपने लिए चाय बना रहे थे, मतलब मैं अपने लिए नहीं, राहुल जी के लिए भी चाय बना रही थी। और यहाँ पे मैंने चीनी रख दिया, तेज़पत्ता रख दिया है, और उसके बाद मैं रखूँगी चाय पत्ती, फिर मेरा चाय रेडी हो जाएगा। उसके बाद मुझे आज डिनर में बनाना है बैंगन आलू की सब्ज़ी, तो मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, बिकॉज़ राहुल जी बैंगन ही लेके आए हैं, कोई और दूसरा सब्ज़ी नहीं लेके आए हैं। तो मैं बनाऊँगी बैंगन, यहाँ पर मैं बैंगन को कट कर रही हूँ, और उसके बाद बैंगन आलू मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और यहाँ पर मेरा आलू कट चुका है, और यहाँ मैं बैंगन आलू को अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर, उसके बाद उसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल, मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, आप लोग जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो आप डालिएगा। उसके बाद पचफोरना डालिएगा, ऑब्वियसली सबको पता होगा कि बैंगन की सब्ज़ी में पचफोरना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बस सिखा नहीं रही हूँ आप लोग को, बस कुछ शेयर कर रही हूँ जो मेरा वीडियो कुछ आपके लिए यूज़फुल हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी, उसके बाद पचफोरन डालूँगी, पचफोरन डालने के बाद मैं आलू बैंगन को डाल के उसमें अच्छे से फ्राई करूँगी, और उसके बाद सब्जी बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। फिर फटाफट मैं रोटी बना लूँगी, है ना, कितना जल्दी बोलती, बट इतना जल्दी बनता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है बनने में। बोलने में तो 2 मिनट नहीं लगता, बट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा मन होता है खाना बनाने का, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या कर सकते, खाना तो बनाएंगे ही, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन को रख चुकी हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं छील लूँगी लहसुन, लहसुन छीलने के कट करके रख लूँगी, विदाउट मसाला मैं इसको बना रही हूँ, मतलब जो पीस के जो मसाला होता है ना वो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर मुझे पीस के मसाला डालना होता है तो मैं सरसों का मसाला डालती, सरसों और लहसुन का डाल के। मैं बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ बैंगन का सब्जी का, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो मेरे पिछले ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनता है सरसों के मसाला डाल के आलू बैंगन की सब्जी। या फिर आप बैंगन में एक, अभी आम का सीजन है तो आप एक आम भी रख सकते हैं, कच्चा आम एक रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है कट करके, लहसुन डाल दिया है, उसके बाद जो भी घर का थोक मसाला होता है वो मैं डालूंगी, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और यहाँ पर राहुल जी लेके आया धनिया पत्ता, तो मैं धनिया पत्ता को धो के कट करके, फिर धो के अच्छे से वॉश करके उसको मैं एक ऐसा आप देख रहे हैं ना, एक ये बॉक्स में मैं डाल दूंगी, डाल के मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ, और ये जैसा मैं रखी हूँ ना वैसे ही रहता है। और जब भी मुझे यूज़ करना होता है मैं उसमें से थोड़ा कट धनिया पत्ता निकाल के और मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देख चुके हैं कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर, डालने के बाद मैं मसाला डालूँगी, सब्जी हो जाएगा मेरा रेडी। सो गाइज, वीडियोज़ पसंद आया हो तो आई होप आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कहिए कि एक ही बात मैं कितनी बार बोलती हूँ, बट बोलना तो पड़ेगा ना, आप लोग कभी कभी भूल जाते हो, तो क्या करो, मुझे बताना पड़ता है आप लोगों की, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है।
अब यहाँ पे मैंने मसाला वसाला डाल लिया है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक। नमक डाल के मैं अच्छे से सब्जी का जो मसाला आता है अच्छे से मैं भूज लूँगी। उसके बाद एकदम धीमी आँच में भूजूँगी, आप देख सकते हैं सब्जी, और काफ़ी टेस्टी बनता है। ऐसे आप बनाइए और खाइए और मुझे भी शेयर कीजिए कि आपका कैसा बना है। और यहाँ से मैं लीड डाल दूँगी, उसके बाद मैं छोटे वाले जो गैस है ना उस पर मैं चढ़ा दूँगी और इस साइड में रोटी बना लूँगी फटाफट। ऐसे क्या होता है ना, फटाफट काम हो जाता है। दो तीन जब है ही हमारे पास कि हाँ तीन है, तो हम उस पर एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी हूँ बॉयल करने के लिए। दूध मेरा बॉयल हो चुका है तो मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि बाबू को दूध दूंगी, वो सोएगा, सोने के लिए ना बहुत रो रहा था। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है मैं राहुल जी के लिए, आप देख सकते हैं बाबू सो चुका है और हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि आज किचन क्लीनिंग भी मुझे दिखाना है। मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने शाम में क्लीनिंग किया था, तो बस थोड़ा सा जो भी आटा वाटा गिरा होगा ना वो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। देख रहे हैं कि मैं इसका फिर वो हटा के, गैस का जो फ्लेम होता है ना वो मैं हटा के, और फिर मैं अच्छे से एक कपड़े के हेल्प से भीगा हुआ कपड़ा पहले लूँगी, उसके बाद उसको अच्छे से गैस को पोंछ लूँगी, उसके बाद सूखा कपड़ा लेके गैस को पोंछ लेना है। और अगर आप किचन क्लीन करके रात में सोए तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुबह उठ के आप किचन में जाइएगा तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग होता है। वैसे भी किचन को साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए, बिकॉज कहते हैं कि हम कोई भी कहता है किचन साफ सुथरा ही रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए और राहुल जी के लिए दूध बना रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं आजकल हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, तो बस हल्दी डालूंगी, चीनी हल्का का चीनी डालूंगी, उसके बाद हम पी लेंगे दूध। दूध पीने के बाद उसके बाद हमारा कोई काम नहीं बचेगा, उसके बाद करूँगी थोड़ी सी बातें आप लोग से, बिकॉज मैं आज का ब्लॉगिंग शाम से स्टार्ट की हूँ। ब्लॉगिंग थोड़ा सा हो गया है बड़ा, सो प्लीज़ गाइस फुल वॉच कीजिएगा, हाफ वॉच करके नहीं चले जाइएगा। और यहाँ पे मैं राहुल जी को दूध देने के लिए आई हूँ उनको पीने के लिए, तो राहुल जी यहाँ पर पी लेंगे दूध। और उसके बाद मैं अब अपना दूध लेने गई हूँ किचन में, तो किचन में मैं अपना दूध लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। दूध पीते पीते मैं आप लोग से बातें करती, बट मैंने सोचा नहीं पहले मैं फोकस से दूध पी लूँ उसके बाद बातें करती हूँ आपसे। हे गाइस, तो हमारा सारा काम हो चुका है, किचन क्लीनिंग का काम हो चुका है। और किचन क्लीनिंग में वैसे मैं शाम में किचन को क्लीन की थी तो बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं था, बस कपड़े हिला देना था, बस हो गया था। और हमने दूध भी पी लिया, सारा काम कंप्लीट है, बाबू सो चुका है, लेकिन मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं है, बिकॉज़ मुझे अभी ब्लॉगिंग एडिट करना है, नहीं तो वरना तो कल सुबह 6 बजे क्या आएगा। तो अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट, उसके बाद एडिट करते करते तो 12:30 बजे जाना है, और उसके बाद सोऊँगी, फिर सुबह 5 बजे उठती हूँ, बिकॉज़ अगर ब्लॉगिंग जाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई इशू हो जाए तो उसको ठीक करना पड़ता है, बिकॉज़ मैं मॉर्निंग 6 AM मैं ब्लॉगिंग पब्लिश करती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ, और जो न्यू है मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप देख सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रखती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी कहते हैं सबको कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। अभी कह रहे हैं बा 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 बा, सुबह से उठ के, आप लोग तो जानते हैं ना मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, अपनी डेली रूटीन जो मेरी लाइफ की है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, फिर भी अगर किसी का फ़ोन आ जाए या कोई आ जाए तो मेरे बारे में बुराई करते रहते हैं, कहते हैं कि तो कुछ करती ही नहीं है, दिन भर तो वीडियो बनाती रहती है। और फिर ऐसे मतलब दूसरे को कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं, एक होता है हस्बैंड की अगर वाइफ वीडियो नहीं भी बनाए ना तो होता है कि नहीं यार तुम्हारा काम है वो तुम करो, लेकिन पता नहीं ये हस्बैंड लोग का क्या होगा। अभी कह रहे हूँ अब इनका आ गया कॉल, अब ये करेंगे वार्तालाप। तो बस यही सब बातें थी, ये हस्बैंड लोग का तो काम यही है, उनके बातों पर ध्यान ना दें। तो कितना भी हम कुछ कर लेंगे बट इन लोगों का यही रहेगा कि हमारे लिए तुमने क्या किया, क्या किया बताओ, यही सब है। चलिए कोई नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, क्या है। और एक बात था कि प्लीज़ आप लोग स्पैम ना किया करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पे एक कदम भी नहीं चल सकती।
मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग के रिक्वेस्टेड वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग के डिमांड वाले वीडियोस बना रही हूँ, फिर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर और भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अंतरा सिंह रायजादा के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। तभी लोग कहते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं है, मैं तो हमेशा लिंक देती हूँ। बाय चांस किसी वीडियोस में लिंक नहीं होता है, तो बहुत सारे वीडियोस में मेरे लिंक होता है और जिसमें मैं बोल देती हूँ उसमें तो मुझे लिंक देना ही पड़ता है, जिसमें नहीं बोलती हूँ तो चलो हटाओ मैं नहीं देती हूँ, बट जिसमें बोलती हूँ कि हाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी अंतरा सिंह रह जाता है तो मैं दे देती हूँ। और कोई भी रिक्वेस्ट हो आपको तो बताइए आप मुझे, मैं आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ जो न्यू चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी अच्छा सा कुछ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप कुछ कहना चाहिए? कुछ तो बोल दीजिए कि मेरी वाइफ के चैनल को जो न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए मेरी वाइफ को जैसे आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहिए कि आप भी तो सपोर्ट करिए। बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज आएगा। वही है ना, फैन चल रहा है, आवाज नहीं जाएगा, इसीलिए तुम जोर से बोल रहे हैं। बोलिए, कर दीजिएगा सब आदमी सपोर्ट। लग रहा है ये बोल के ना मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा प्यार से बोले कि प्लीज मेरी वाइफ को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। चलिए हटाइए, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू गाइज।